अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको फिर दोबारा खुशामदीद कहते हैं हमारे पीके मैंगा एंटरटेनमेंट में। फ़ाइज़ा हसन एक बहुत ज़्यादा मशहूर एक्टर हैं जिन्होंने अपना ज़्यादा फेम पीटीवी ड्रामों से हासिल किया है। 5 जनवरी 1982 में मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपना मैट्रिक FG मेनवाला गर्ल्स हाई स्कूल से हासिल किया और उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन भी कराची से हासिल की है। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर अपना कंप्लीट किया। उन्होंने 2007 में मुबशर हुमायूं से शादी की। अब उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनके बेटे का नाम मोहम्मद सुलेमान हुमायूं है और उनकी बेटी का नाम जिहान एरा हुमायूं है। इस वक्त कैम्ब्रिजशायर UK के शहर में रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन वो पाकिस्तान रेगुलरली विजिट करने आती रहती हैं। उन्होंने का पहला ड्रामा वजूद लारिब था, उसके बाद बर्न नोट की नीलोफर और साहिल की तमन्ना था। उन्हें सबसे ज़्यादा फेम अपने वजूद लारिब के ड्रामे से मिला जो कि एक PTV का ड्रामा था। लेकिन फैज़ा हसन ने अपने कैरियर का आगाज एज अ मॉडल स्टार्ट किया था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मशहूर फैशन हाउसेस के साथ काम किया जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ, लेकिन उन्होंने मॉडलिंग छोड़कर पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री करने का इरादा किया। ड्रामों के काम के साथ उन्होंने TV शोज में भी काफ़ी काम किया जो उनके पाकिस्तान TV इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से कामयाबी देखने को नज़र आ रही है। लेकिन उन्होंने शादी के बाद इंडस्ट्री छोड़ दी। थोड़े अरसे के बाद उन्होंने शोबेस इंडस्ट्री में फिर दोबारा आने का इरादा किया। उन्होंने मिजाज खुदा और जजेरा जैसे डिफरेंट टेलीफिल्म्स और डिफरेंट सीरियल्स में काम करना शुरू किया। उन्होंने बेबी बाजी का रोल लॉर्ड वेडिंग में अच्छे तरीके से निभाया जिससे उनको बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ, और उसके बाद उन्हें ड्रामा सीरियल खो गया वो में भी काम किया जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ। फ़ाइज़ा हसन की फेवरेट एक्ट्रेसेस मेराल श्रीफ, नरगिस, सकीना सामो और खालिदा रियासत हैं, और अभी उनके रिसेंटली ड्रामा नन से भी उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ही मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिल सकें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।